सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा 105। तो भाई अभी मैं एक ऐसे थीम पार्क के अंदर आया हूँ जो कि सोल्जर थीम पार्क है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ जो मिलने वाला है आर्मी से रिलेटेड होगा। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ सारी की होंगी आर्मी से रिलेटेड होंगी। भाई जब जो हमारे एक सोल्जर होते हैं तो वो आर्मी में जाते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें सारी एक्टिविटीज़ मिलने वाली हैं। और साथ ही में यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप एक पिकनिक भी मना सकते हो, वो भी सोल्जर्स के साथ। यहाँ पे अंदर आपको सोल्जर्स मिलने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर अंदर हमें। तो चलते हैं, मतलब यहाँ पिकनिक आप मना सकते हो, डे आउटिंग कर सकते हो यहाँ पर आप, बाकी यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो आप। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ की, कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ की लोकेशन क्या है, यहाँ की टिकट क्या है, यहाँ पर स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइमिंग क्या है, कब ये क्लोज रहता है, कब ये ओपन रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहना वीडियो के अंदर और स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, फिर आप बोलोगे ये आपने बताया नहीं, बट मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। तो करते हैं शुरू, जय हिंद। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो भाई ये पाड़ा गाँव है जो कि हरियाणा के अंदर मानेसर में है, और वहीं उस साइड ये खेतों को पार करके उदयपुरी है। यहाँ पर गुड़गांव से आप यहाँ पर आ सकते हैं, 30 मिनट की ड्राइविंग है यहाँ तक आने की, और यहाँ पर ये एंट्री है, तो इसी के साइड में यहाँ पर आपको पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी। ये पूरा एरिया पार्किंग का है। और बात यहाँ के टिकट प्राइस की करें तो भाई यहाँ पे एडल्ट के होने वाले हैं 1999, यानी 1999 रुपये, और यहाँ पे किड्स के होने वाले हैं 1199, यानी 1199 रुपये। तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ की दे दी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैंने नहीं बताया आपको, क्योंकि भाई वो यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, तो मैंने नहीं बताया। गुड़गांव से 30 मिनट की ड्राइविंग है, तो आप खुद ही सोच लो कि मैं मेट्रो स्टेशन यहाँ पे कितना दूर होगा, तो नहीं बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि कोई नियरेस्ट। तो यहाँ पे जीप टंगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर रखी हुई है, बढ़िया लग रही है, बढ़िया बनाई हुई है। तो यहाँ से डेल्टा 105 की एंट्री है, तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। कुछ आपको पूछना हो कमेंट में जाके पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डीएम करके पूछ सकते हो यहाँ के बारे में। सो गाइज, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा 105 की एंट्री है, और यहाँ पे मतलब कैसे वेलकम करा जाता है ना, वो दिखाऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाने वाला है आपको इस तरीके से यहाँ पे वेलकम करा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पर सोल्जर एक्टिविटी होने वाली है, देखते हैं भाई, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा होने वाला है। तो सोल्जर्स आ चुके हैं वहाँ पर ऊपर, तो सारे बच्चे भी एक्साइटेड ही हैं, सबकी नज़रें ऊपर हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई क्या क्या हमें आर्मी से रिलेटेड यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक्साइटेड हूँ मैं काफ़ी। बाकी जो भी यहाँ पे स्कूल के बच्चे थे वो सारे जा चुके हैं अंदर, अंदर ही मिलेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर देखो ये लगाया हुआ है, पूरा ड्रम लगाए हुए हैं, उससे यहाँ पे पूरा पिलर टाइप बना रखा है। तो अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिलरी है, यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर। बाकी पीछे वहाँ पर देखो, वहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सब कुछ बैचेस वगैरह लगा रखे हैं वहाँ पर सारे में। तो और अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हमें मिलने वाला है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर क्या लिखा है, किसमें कितना है दम। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होने वाली हैं शायद कि भाई जिसमें दम की बात करी जा रही है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन फ्लैग हमें दिखाई दे रहा है हमारा, तो जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाकी यहाँ पर देखो इक्विपमेंट सारे रखे हुए हैं, यहाँ पर देखो कुल्हाड़ी वगैरह, ये क्या है, दूरबीन है क्या है, हाँ दूरबीन है ये। मुझे लग रहा है ना ये यूजेज़ है, मतलब कि रियल में जिनका यूज़ करा गया है उनको रिटायर इनको कर दिया गया है, तो यहाँ पर रखे हैं ये। ये देखो यहाँ पे दूरबीन वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह, ये देखो जो बुबुल बजाई जाती है ना वो रखी हुई है यहाँ पर। देखो वो जो जिससे बोले जाता है, ये देखो हाबड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फावड़ा, मतलब जो भी बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बैग वगैरह सारे, और ये देखो मास्क, अगर मतलब फॉग में वहीं जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो फौजी इमरजेंसी में, तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई है, देखो टेलीफोन वगैरह रखे हुए हैं, बक्से वगैरह, बॉक्सेस रखे हुए हैं। अच्छा यहाँ देखो साइकिल भी रखी हुई है फौजी के हिसाब से ही, पूरा रेडी, एक पहले के टाइम में इनका यूज़ करा जाता होगा, पूरी साइकिल को बढ़िया से रेडी कर रखा है पहले के टाइम का। ये देखो लालटेन से पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ बैग्स है पूरा, और यहाँ पर देखो एक बड़ी सी एक वो भी है यहाँ पर टॉर्च, ये देखो पूरे टॉर्च है यहाँ पर। और यहाँ पर सामने लिखा अ मैन बिकम्स द क्रिएटर ऑफ हिज यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म उसको मतलब क्रिएटर बनाती है उसका, मतलब ये कह रहा जा रहा है पर्सनैलिटी ही एक तरीके से बताती है, ये किसने कहा, नेपोलियन ने कही थी ये बात। तो और यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे डिग्री के हिसाब से ड्रेसेस रखी हुई हैं, ये सारी आप देख रहे हो सारी ओरिजिनल ड्रेसेज हैं ये, जो मतलब सोल्जर्स थे उनका रिटायर के बाद शायद यहाँ पे उनकी रख दी गई ड्रेसेस, यहाँ पे लिखा हुआ इनका नाम लक्ष्मण राजले। तो ये देखो पूरी ड्रेसेस के अंदर पूरा सब कुछ लगा हुआ है, बेल्ट वगैरह भी सब कुछ।
ये और लिखा भी यहाँ पर मतलब कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में। और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो और भी किसी की रखी हुई है, तो ऐसे ही सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रीमा शर्मा अच्छा लेडीज़ की होगी कोई जो आर्मी में होंगी, तो ये देख सकते हैं। और आगे भी यहाँ पर है और ड्रेस, और देखो यहाँ पर ये और आगे हैं, तो ऐसे यहाँ पूरे में इस तरीके से लगाया। अच्छे नीचे शूज़ भी रखे हैं देखो उनके, यहाँ पे शूज़ रखे हुए नीचे बिल्कुल चमका दिए गए हैं, बिल्कुल शूज़ बढ़िया लग रहा है। तो और आगे बढ़ के देखते हैं और क्या मिलने वाला है। और भाई 9 से 11 यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और अभी 9:30 बज चुके हैं, तो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। सो गाइस यहाँ पर इस साइड यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, तो देखते हैं चल के भी खाने के लिए क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम है अभी जो कि 9 से 11 है, तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बटर ब्रेड दिखाई दे रहे हैं, ब्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पे अमूल का ये बटर है यहाँ पर, तो बटर ब्रेड यहाँ ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे चाय है, चाय भी पी सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर ये मक्खन वगैरह, यहाँ पे चटनी, यहाँ पे अचार, ये सब है। यहाँ पे दही है, और दही के बाद यहाँ पर ये पराठे हैं आलू के, तो पराठे के बाद यहाँ पे पोहा है, तो पोहा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे ये आलू की सब्जी, आलू की सब्जी के बाद यहाँ पे एग का है यहाँ पर ये कुछ। और आगे बढ़े तो यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार करी जा रही हैं, गर्मा गर्म पूड़ी, तो यहाँ पे कढ़ाई भी चालू है, तो पूड़ियाँ यहाँ पे आप खा सकते हैं। तो वही अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेकर आ चुके हैं, तो खाते हैं ब्रेकफास्ट। और भाई कुछ ऐसा यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट है देख सकते हैं आप, तो हट टाइप यहाँ पे बनाया हुआ है और नीचे यहाँ पे टेबल चेयर लगी हुई है। बाकी आप चाहें तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ सामने खटिया डाली हुई है इन्होंने। 15 मिनट्स लेटर। तो भाई ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया, यहाँ पर कुछ कंपटीशन चल रहा है, स्कूल के ही बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और स्कूल के भी है कुछ, फैमिली के भी है, वो सारे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सुमो रेसलिंग का कॉम्पिटिशन चल रहा है, बैटल लोब। तो यहाँ पे 2 टीम है, तो देखते कौन जीतने वाला है। वैसे दोनों टीम से ही मैं कुछ लेने देना नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे गेम्स भी खेल सकते हैं, शोर काफ़ी हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसे गेम्स भी खेल सकते हैं, सुमो रेसलिंग वगैरह। तो भाई ऐसे ही गेम्स यहाँ पर ये खिलाते रहते हैं, अलग अलग गेम्स है, कमांडो से रिलेटेड, कुश्ती वगैरह, ये सब खिलाते रहते हैं। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले देश है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ब्रीफिंग जोन, तो यहाँ पर मतलब कॉन्सल्ट वगैरह कुछ हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती है। कुछ मान लो कोई सेमिनार वगैरह हो रहा है तो उसके लिए बनाया हुआ है ये स्पेस यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लंच का टाइम होने वाला है वो 1:30 बजे होने वाला है। इतने हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ कहाँ पर क्या है। सबसे पहले एमपी थिएटर एंट्री 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे एमपी थिएटर एंट्री 2 लिखा हुआ है, और एक लिखा पागल जिमखाना, जवान्स रूम, डेल्टा। तो इस तरीके से मतलब आपको वॉर जोन, एक्टिविटी जोन, तो ये सब कुछ मतलब यहाँ लिखा हुआ है कहाँ क्या, कहाँ पर क्या हमें मिलने वाला है। तो देखते हैं कहाँ पर सबसे पहले चले। तो अभी हम एडवेंचर जोन में आया, और यहाँ पर देखो हमें जीप दिखाई दे रही है एक, ये रखी हुई। बाकी यहाँ पर जिप लाइन है, बहुत बड़ी जिप लाइन है भाई यहाँ की, तो अभी मैं यहीं से पता करूँगा कितनी बड़ी है। बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जिप लाइन में, ये जीप भी एक नंबर लग रही है। यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ जीप के, तो फौजी भाई की जीप है यहाँ पर ये। तो ये जो सामान है ना, ये सारे जो कार वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, सब ये रियल में है, मतलब ये यूज़ करे हुए हैं, फिर रिटायर हो गए तो यहाँ पर रखे हैं ये। तो भाई जिप लाइन के लिए हेलमेट वगैरह, हार्नेस वगैरह पहन लेते हैं, पूरा सेफ्टी ले लेते हैं पहले। तो अंकल जी कितनी लंबी है ये जिप लाइन? ये 300 मीटर है। 300 मीटर, भाई साहब इतनी लंबी जिप लाइन है, ये तो मतलब दिल्ली NCR की सबसे बड़ी जिप लाइन होगी शायद। नहीं इससे बड़ी होती है, बाकी यहाँ पे तो इधर तो इसी स्टेट में सबसे बड़ी है, इसी स्टेट में सबसे बड़ी है, काफ़ी बड़ी जिप लाइन है। हेलमेट और नीचे यहाँ पे हार्नेस पहन लिया है, थोड़े से लल्लू लगते हैं मतलब हेलमेट पहनने के बाद, बट सेफ्टी ज़रूरी है तो इसलिए पहना है, और बिना हेलमेट के जाने भी नहीं देंगे जिप लाइन में। तो 300 मीटर लंबी जिप लाइन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, करते हैं। और देखो यहाँ पे इतने सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, सब जा रहे हैं यहाँ से, बच्चे कितने प्यारे प्यारे से बच्चे जा रहे हैं। तो भाई जिप लाइन के पास पहुँचने वाले हैं, उससे पहले हमें यहाँ पे वॉर मेमोरियल दिखाई दिया है, अमर जवान, तो जय हिंद। फाइनली जिप लाइन के पास हम पहुँच चुके हैं, चलते हैं ऊपर यहाँ से। तो ऊपर आ गए, यहाँ पर ये गर्ल है ना, तो ये जा रही है, इनके बाद चलेंगे हम भी। और ये गई।
तो भाई यहाँ ऊपर से पूरा डेल्टा 105 दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे काफ़ी कमांडो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे में एक्टिविटी दिखाई दे रही है हमें, और स्कूल के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये देखो बच्चे नीचे वहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, हम भी करेंगे अभी चल के, पत्थर फेंक रहे हैं शायद वो। भाई 300 मीटर ये लंबी है पूरी जिप लाइन, तो भाई मैं टाइम गिनूँ यहाँ पे, देखते हैं कितने सेकंड में हम इसको पूरा क्रॉस करके जा पाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ की जिप लाइन के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो यहाँ की मैंने वीडियो शूट करी थी जिप लाइन की, वो डिलीट होगी मुझसे गलती से, तो फिर भी मैं जिप लाइन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ की जो जिप लाइन थी 300 मीटर लंबी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और लगभग 30 सेकंड तक चलती रही। मैंने पूरा काउंट करा था तो 30 सेकंड पूरे मुझे लग गए थे यहाँ पे जिप लाइन को कवर करने में। 30 सेकंड कोई छोटी चीज़ नहीं होती है जब हम जिप लाइन पे जा रहे होते हैं, तो हम इतनी स्पीड में आ रहे और 30 सेकंड हमें लग गए, तो बहुत बेहतरीन यहाँ की जिप लाइन थी, सच्ची में मज़ा आ गया था मुझे। तो भाई पूरे 30 सेकंड लग गए जिप लाइन को करने में, मज़ा भी काफ़ी आ गया इतनी देर तक हमारी पूरी जिप लाइन चलती रही। और भाई एक गलती हमसे ये होगी कि हम सनग्लासेस लेकर आए, तो आप सनग्लासेस लेकर आना साथ में, वरना आंखों में सूरज की रोशनी लगेगी और आंखें ऐसी रहेंगी आपकी, मज़ा भी नहीं आएगा। तो सनग्लास लेकर आना तब ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ सामने आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ, मतलब मैं बैठ सकते हैं आप। यहाँ पर एक कुआ है, यहाँ पर हमें सामने एक कुआ दिखाई दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुआ गहरा है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत गहरा, ज़्यादा गहरा है नहीं। बाकी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पीछे कुछ गेम्स है जैसे वहाँ बास्केटबॉल, डार्ट, आर्चरी वगैरह, ये सब है यहाँ पर, तो चल के देखते हैं क्या क्या है। ये आप सामने देख रहे हो मैंने उठा लिया है एक बॉल, तो सामने हिट करते हैं ग्लास को और देखते हैं मेरा निशाना कैसा है, कितना बुरा निशाना है देखते हैं। तो यहाँ पे 5 ग्लास लगे हुए हैं, नहीं 6 है, तो निशाना लगाते हैं, दिखा दो भाई एक बार, 6 ग्लास है ये देखो, ये 6 ग्लास है। तो मैं बीच वाले पे लगाऊं कोने वाले में लगाऊं? सेंटर वाले पे। चलो ठीक है, सेंटर वाले पे निशाना लगाते हैं। तो करें स्टार्ट। यस। 1, 2, 3। ओए नहीं मारे, 3 गिरे, 3 3 गिराया तरुण भाई ने। अब इनको एक ही चांस था, एक बार चलो ट्राई करने को मौका दे देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। तो अब की बात है ये गिरा दो, ये कोने वाला जो है, चलो इस बार फिर से राइट हैंड साइड वाला गिराता हूँ। इस बार तो एक भी नहीं गिरा रहे हैं। इस बार तो फुल ऑन बेइज्जती हो गई। तो भाई नेक्स्ट यहाँ पर जो है डार्ट है, तो निशाने लगाते हैं और देखते हैं, फिर से देखते हैं कि कितना बुरा मेरा निशाना है। पहले तो आपने देख ही लिया कितना बुरा था, अब डार्ट में देखेंगे कि इससे ज्यादा बुरा होगा, इससे और भी मतलब, या इससे बढ़िया होगा। तो सामने इस वाले पे लगाएंगे निशाना, 1, 2, 9, 11। बाकी देखो यहाँ पर आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, यहाँ बॉल है ना, तो यहाँ बॉल पड़ी हुई है, तो इससे आपको गोल करना होगा वहां पे सामने, तो जूम करके दिखाने को, उसमें गोल करना होगा आपको, ये देख रहे हो ना आप। और गोल के बाद यहाँ पर आप बैलून शूट कर सकते हो, बैलून तो फिलहाल है नहीं, अभी बच्चे आने वाले हैं ना स्कूल के, बच्चे उस साइड है तो वो सारे आएंगे, तो यहाँ बैलून लगाने वाले हैं ये, तो बैलून से आप शूट भी कर सकते हैं यहाँ पर गन वगैरह से, तो वो गेम भी आप खेल सकते हो यहाँ पर। अच्छा मैजिक शो है यहाँ पर, तो भाई मैजिक शो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई सिटिंग अरेंजमेंट भी कैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं ना उनका जो पूरा ड्रेस होती है वैसे ही यहाँ पे पेंट किया हुआ है, देखो ऐसे ही यहाँ पे सारे में। तो यहाँ पर हमारे जादूगर सामने आ चुके हैं, तो जादू देखते हैं थोड़ा सा। आपका नवाज अली। अच्छा नवाज अली इनका नाम है, दिखाओ भाई क्या जादू दिखाने वाले हो। हाथ में रख देंगे बोल, देखना दिल्ली जाएगी, हाथ खाली है देखो, ये इस हाथ में बंद कर देंगे, ठूस दिल्ली से बोल चली जाओ, दिल्ली चली जाओ, देखो बोल दिल्ली चली गई, इस डिब्बे में नहीं है देखो, खाली है, ये बोल जाएगी देखना मुंबई, चलो मुंबई चली जाओ, ये जाएगी बोल हैदराबाद, इसमें नहीं है देखो, चलो हैदराबाद चली जाओ, ठूस वो देखो हैदराबाद गई है, एक बोल देखो दिल्ली से आ गई, ये मुंबई से आ गई, ये हैदराबाद से आ गई, मजा नहीं आ रहा है। शुरू से देखना, रिपीट से, एक बोल है इस बॉल को देखो ये डिब्बा के अंदर बंद, ठीक है, इस बॉल को ये डिब्बा के अंदर, इस बॉल को मुट्ठी के अंदर, 1, 2, 3 ये बॉल को डाल दी, वो गायब कर दी, अरे वाह अरे वाह, मजा आ गया, बॉल को बंद कर देंगे, देखो ये डिब्बा खाली हो, अरे इसमें तो बॉल थी भी, कहां गई वो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कैसे करा भाई, ये कलाकारी है, तो भैया कलाकारी है, हाथ में छुपाया हुआ है, हाथ की कला है, जादू नहीं है। अच्छा जी हाथ की कला है, मतलब स्पीड में काम होता सारा है,
सुपर नेचुरल पावर है आपके पास। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पर जो मैंने आपको जीप दिखाई थी ना, यहाँ पे सारे देखो फोटो शूट में लगे हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं फोटो शूट बढ़िया से, तो लगे हुए हैं सारे फोटो शूट में ही। भाई कुछ लोग जिपलाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटीज होने वाली है। तो भाई ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, थोड़ा स्टेज टाइप सा बनाया हुआ है, जैसे स्टेयर जा रही है ऊपर, तो क्यों बनाया है इसमें चल के देखें क्या करें। अच्छा प्लांटिंग के लिए बनाया है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, तो हाँ ये प्लांटिंग के लिए ही है। बाकी वहाँ पीछे कुछ बच्चों के झूले लगा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं जूम करके दिखाऊं तो। बाकी यहाँ पर देखो ट्रम्पलिन रखा हुआ है, ट्रम्पलिन में जंपिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हम आए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैमल कार्ट राइड, हॉर्स कार्ट राइड, कैमल राइड, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरफ। बाकी यहाँ पर देखो सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चे शायद कैमल कार्ट की ओर ही जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे। अब थोड़ा उसी साइड चलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बारूद कैफ़े है, तो यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिलेंगे, तो देखते हैं क्या स्नैक्स। यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और स्नैक्स देखते हैं क्या क्या है। इतना ही लो, दोबारा फिर ले लेना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको पकोड़े दिखाई दे रहे हैं, काय काय के पकोड़े? ये पालक के जी, आलू के। अच्छा पालक और आलू के यहाँ पे पकोड़े हैं, बाकी खट्टी मीठी या चटनी मिलेगी, और काय के? प्याज वगैरह मिक्स है। अच्छा प्याज वगैरह सब मिक्स है इसके अंदर। और यहाँ पे वो क्या है? जलेबी। अच्छा जलेबी रेडी करी जा रही है वहाँ पे, देखो जलेबी रखी है वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जलेबी है। तो भाई सारे बच्चे आ चुके हैं, खाना पीना ले रहे हैं, स्नैक्स सारे बच्चे। तो भाई हमने यहाँ पे स्नैक्स ले लिए हैं, और ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, देखो ये रखी हुई है चेयर्स, यहाँ ये खटिया पड़ी हुई है, छोटी छोटी सी खटिया, लंबी लंबी सी। A few minutes later. तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे काफी बच्चे हैं, तो बच्चों से पूछते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजे आ रहे हैं भाई? नहीं आ रहे मजे? आ रहे मजे? मजे आ रहे? मजे आ रहे भाई? मजे आ रहे बच्चों को? भाई सारे बच्चे भी यहाँ पे स्नैक्स खा रहे हैं। बोल रहे हो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या एक्टिविटी कर ली? वो जिपलाइन कर ली, जिपलाइन। अच्छा अभी और क्या करोगे? और कैमल कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, और अभी हम रन करेंगे। ये देखो कितनी एक्साइटेड है बच्ची, बता रही है हॉर्स राइड करा, कैमल राइड करा है। करवाया शूटिंग भी करवाई? ये देखो। अच्छा जी, तो भाई बच्चे देखो सब बता रही क्या क्या एक्टिविटी कर लिया, अभी और भी करोगे आगे? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? वो देखकर ही पता लग रहा है मजा आ रहा है भाई। तो भाई स्नैक्स के बाद हम यहाँ पे आए हैं फायरिंग रेंज के अंदर। यहाँ पर देखो पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से हमारे फौजी भाई फायरिंग की तैयारी करते हैं। देखो यहाँ जैसे ये टायर पड़ा है, यहाँ ये ड्रम पड़ा है, पीछे वहाँ पे देखो सीमेंट के कट्टे लगाए हुए हैं, तो ऐसे हाइड होके मतलब गन सूट की प्रैक्टिस करते हैं, वो सब यहाँ दिखाया हुआ है। तो देखते हैं हम भी गन सूट करते हैं। अरे होगा भाई गन सूट? तो यहीं पर ही गन सूट होगा, ये कंचे से होगा, कंचा है इसके अंदर? कंचा नहीं, गोली है। अच्छा अच्छा गोली है ये? अच्छा ये गोली है, गोली को मारना है, कहाँ मारना है? सामने बोर्ड पे। अच्छा वहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है ये? अच्छा ये जो 3-4 बोर्ड लगे ये? तो भाई ये आप देख रहे हो मतलब जैसे मैन हो ना ऐसे यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं, तो इसके ऊपर निशान लगाना है, और वहाँ छोटे छोटे और लगाए हुए हैं, देखो ये देखो यहाँ पर, बाकी यहाँ ये लगाए हुए हैं, तो देखते हैं हमारे निशाना कितना ख़राब है। तो भाई ये देखो यहाँ पर ये ऐसी गन है, तो भाई निशाना लगा के बता रहे हैं। अच्छा अच्छा लग गया, ये देखो लगा नहीं भाई का एक भी अभी तक। अरे हाथ में आ चुकी है गन, पहले आपने देखा था कितना खराब मैंने निशाना लगाया था, तो अब मैं ट्राई करता हूँ, सामने बोर्ड है तो देखते हैं निशाना लगा पाते कि नहीं लगा पाते। तो करते हैं स्टार्ट, 1 to 9 11। नहीं लगा, बड़ा बेकार निशाना यार ये, मेरे को लग रहा है प्रेशर कम है क्या इसके अंदर, दूर तक जाने की भाई की चली गई वहां से। ऊपर गया मेरा निशाना, बड़ा बेकार है। पेंट है क्या? पेंट तो भाई मेरे पे तो निशाना लगा नहीं है, भाई मार के दिखा रहे हैं, देखते भाई कैसा निशाना लगाते हैं। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, एक लग गए। देखो वहाँ पे इसके अंदर पेंट भरा हुआ है, इन्होंने पेंट बोले ये तो ऑरेंज ऑरेंज हो गया निशाना, भाई काफ़ी ख़राब है मेरा, तो भाई मैं लगा नहीं पाया एक भी निशाना। ये भाई ने ये दो भाई है ना, दोनों भाई ने एक एक बार लगा दी निशाना, बट मैं एक बार भी नहीं लगा पाया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या एक्टिविटी यहाँ पर हमें मिलती है। और भाई नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्रॉल ट्रेंच है, तो यहाँ पर क्या करना होगा ना, वो फौजी भाई वाले कपड़े भी लेंगे हमें, ये रखे हैं देखो ये रे, और मतलब यहाँ से हमें क्रॉल करके जाना है इसके नीचे से, ये देखो यहाँ कांटे लगाए हुए हैं ना, तो इसके नीचे से क्रॉल करके जाना है, तो ये नहीं कर रहे, रिगड़ रिगड़ के जाना पड़ेगा भाई। तो वहाँ उस साइड चल रहे हैं, वहाँ पर वॉर जोन है, तो वॉर का देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें। यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ पर ग्रेनेड है, ग्रेनेड रेंज, तो ये देखते हैं यहाँ पर फौजी भाई हैं यही बताएंगे इसके बारे में, ग्रेनेड रेंज से उनकी जानकारी, इसके साथ ग्रेनेड से जानकारी, साथ ही
ग्रेनेड को फेंकने का तरीका। अच्छा, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है जी। उसके बाद में एक जो हमारा यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन होता है, उससे उसका एक नमूना दिया जाता है। उसके बाद पांच पांच करके सभी बच्चों को यहाँ से ग्रेनेड को थ्रू अप किया जाता है। तो एक बार हम करके दिखाएंगे कि कैसे। हाँ ओके, तो ग्रेनेड फेंक के दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से फौजी भाई फेंकते हैं। ओके, आमतौर पर एक ट्रेंड सोल्जर होता है, वो ग्रेनेड को 25 से 35 मीटर तक फेंक सकते। अच्छा, 25 से 35 मीटर तक फेंक सकते हैं नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल जो जवान होता है। और हम अगर फेंकेंगे हमारा कहाँ तक जाएगा? आपका भी इतना ही फेंक सकता है, आप में जवान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल ट्रेनिंग के लिए होती है। ओके, इस तरह इसके अंदर फायरिंग पोजिशन होती है, ये फायरिंग पोजिशन है। ये ओके, यहीं से गिनती की जाती है। ग्रेनेड फेंकने से पहले वार्ड कमांड दिया जाता है जो कि इस प्रकार होता है, 1, 2, 3। अरे वाह, तो बैठ जाता है इसे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमारे तरुण भाई ग्रेनेड फेंकने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कैप पहन रहे हैं सोल्जर की टोपी बोली जाती है इसे। ये हेलमेट होता है, इस हेलमेट के बुलेटप्रूफ हेलमेट होता है। आमतौर पर एक जवान लड़ाई के मैदान में इसी हेलमेट का इस्तेमाल करता है। तो ये बुलेट प्रूफ रेडी। ओके, आप फायरिंग पोजीशन रेडी करिए। देखो एक ग्रेनेड मेरे हाथ में है। ओके, इस पोजीशन का देखने वाली बात है, आपका एक पैर इसके साथ लगा हुआ, दूसरा पैर पद के मुताबिक खुला हुआ। ये ग्रेनेड का ये लीवर होता है, इसका इस तरह से पकड़ते हैं, ये इस तरह से ये लीवर को इस तरह दबाया जाता है। ओके ओके, 1 जमा। हाँ ओके, टॉप थ्रॉप डाउन, वेरी गुड, डाउन होना है। ये देखो भाई, ये ब्लड प्रूफ हेलमेट है, ये हमने पहना था, ग्रेनेड में जरूरत होती है फेंकने के टाइम। और ये रहा ग्रेनेड, ये तो मतलब डैमो है ऐसे ही दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, तो मतलब ये फौजी भाई के पास तो असली का होता है, और इसको फेंकते तुरंत बैठ जाना होता है क्योंकि भूम करता है ना ये। और यहाँ पर देखो सारे बच्चे आ चुके हैं, ये भी प्रैक्टिस करेंगे ग्रेनेड फेंकने की, क्या पता भाई इनमें से कोई फ्यूचर का सोल्जर हो। तो ग्रेनेड के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, पहले पीछे या किसी मकान के अंदर या बंकर के अंदर पोजीशन लेता है, जहाँ पर हमारे समाल आर्म्स यानी राइफल एनएमजी का रेड प्रेजेंट वाले हथियारों का फायर इफेक्टिव नहीं होता। तो भाई बच्चे पूरा रेडी हो गए, हेलमेट लगा लिया, ग्रेनेड फेंकने के लिए बच्चे तैयार हैं। तो देखते हैं बच्चे कितना दूर तक फेंक पाएंगे। मैंने तो 30 मीटर तक फेंक दिया था, तो बच्चों को देखते हैं अब। बच्चों मतलब देखते हैं कॉमनली बच्चे कहाँ तक फेंक पाएंगे। डाउन 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 डाउन, देखा कितनी प्रॉब्लम आती है ट्रेनिंग देने में। ये देखो बच्चों ने यहीं पर ही फेंका, नेट के ज़्यादा उस पार भी नहीं जा पाया। तो बच्चों में कहाँ पावर होती है, मतलब छोटे छोटे से तो क्यूट क्यूट से तो बच्चे सारे। तो भाई ये आप देख रहे हो माइंस का एरिया, यहाँ पर जो माइंस नहीं होती जैसे किसी के ऊपर मतलब टैंक वगैरह रख दो फट जाता है पूरा, तो वो एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। देखो वहाँ लिखा हुआ है एंटी टैंक, वहाँ पे माइन है, मतलब कोई टैंक वगैरह उसके ऊपर आएगा तो वो फट जाएगा तुरंत। तो ये भी दुश्मन को मजा चखाने के लिए होता है। बाकी यहाँ पर देखो गड्ढे वगैरह बनाया हुआ है पूरी, यहाँ पर लाइन में पूरा गड्ढा सा बनाया हुआ है पूरा, तो ये इसलिए होता है हमारे मतलब जो सोल्जर भाई हैं वो इसमें हाइड हो सकें, छुप सकें। अभी हम यहाँ पर आए, ये है वॉर जोन, तो वॉर तब होती है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा ट्रेन किया गया है, दिखाया गया है। तो ये पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद वेरियस कंट्रीज़, मतलब लिखा हुआ है टोटल 15,000 के मतलब किलोमीटर में पूरा इंडिया टच है, मतलब अलग अलग यहाँ से जो कंट्रीज़ है बॉर्डर पर वहाँ से। तो इट रेंज फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर लॉक यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लॉक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ एन इंटरनेशनल बॉर्डर इन अ प्लेन एरिया लाइक पंजाब। तो यहाँ पे मतलब दिखा हुआ है इसके बारे में सब कुछ, बाकी बताया हुआ है कितने एरिया में हमारा पूरा बॉर्डर है इंडिया का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बर्बाद बंकर, मतलब जो बंकर होते हैं ना जहाँ पे सोल्जर्स अपने इक्विपमेंट रखते हैं, बंदूक वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ रखते हैं। बट तो आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पे लिखा है 3-man fire trench। अच्छा, यहाँ पे मतलब 3 लोग एक साथ हाइड होकर यहाँ से फायर कर सकते हैं सामने वहाँ पे दुश्मन के ऊपर। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ, यहाँ पे 3 आदमी एक साथ रुक सकते हैं और फायर करने के लिए। और आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर भी बनाया हुआ, यहाँ पे 2 man का होगा शायद। हाँ, यहाँ पे देखो 2 लोग एक साथ यहाँ पे हाइड होके गन से शूट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2-man fire trench कमांड पोस्ट। अच्छा, वहाँ से कमांड दी जाती होगी, वो चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पर। एक कमांड पोस्ट है जहाँ से एक कमांडर अपनी सेना को लड़ाई लड़ाता है। अच्छा, जब वॉर के टाइम पे एक कमांडर यहाँ से अपनी सेना को लड़ाई लड़ाता है, और जब वॉर नहीं होती है पीस टाइम होता है तो एक कमांडर अपनी सेना को यहाँ से ब्रीफ करता है। अच्छा, ताकि आगे आने वाले जो आगे है उसके सामने के इलाके उनके बारे में ब्रीफ करता है। जैसा कि आप बोर्ड ये इस पर एक मैप बना हुआ है इस पर देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये रेड कलर से और ब्लू कलर से दिखाई दिया, जो ब्लू कलर से लिखा विलेज GMK, तो इसका एक दिया है इतने डिग्री है और इतने मीटर पर इसकी दूरी है,
और ये ब्लू कलर से दिखाया तो इसका मतलब यह है कि ये एक इंडिया की जगह है, मतलब ये हमारी जगह है। अच्छा, और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये दिखाया है कि ये मतलब, दुश्मन की जगह है, मतलब इतने मीटर बाद जो है दुश्मन का एरिया है, इतने मीटर इतने डिग्री ये एरो का निशान है, तो ये दिखाया है कि ये दुश्मन का इलाका है, ताकि कमांडर लड़ाई के दौरान उसमें समझा सके। दूसरा, यदि दूसरा कमांडर आता है तो इसको पढ़कर वो अपना इस सिचुएशन को भाप सके, क्योंकि जरूरी नहीं कि कमांडर उस समय पर मौजूद हो। वॉर के टाइम पे ये भी हो सकता है कि कमांडर शहीद हो जाए, तो दूसरा जब कमांडर आएगा तो हाँ। वो इस मैप को देखकर भी अपने इलाके को समझ सकता है। हाँ जी, तो इसीलिए पूरा एरिया होता है कमांड के लिए। हाँ, ये इसके हैं, बाकी ये मैप दिखाया हुआ, और ये जैसे दिखाया है BOP बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जो जहाँ पर हमारी BSF होती है। अच्छा, और जैसे कि ये लिखे हैं, ये गांव है, ये भी BOP, ये पाकिस्तान की है, ये भी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, हमारी BSF होती है और पाकिस्तान की रेंजर्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं वो रेड कलर का वहाँ पे साइन लिखा, तो मतलब वहाँ से एनिमी का एरिया स्टार्ट होता है। नहीं नहीं नहीं, ये दिखाया हुआ है कि ये माइन फील्ड है, डेंजर दिखाया, माइन फील्ड, यहाँ पर माइन्स है, यहाँ जाना मना है, हमारे लिए भी और दुश्मन के लिए भी। आप बोलेंगे दुश्मन को क्यों, क्योंकि ये जैसे ही आपको ये लगेगा डेंजर लिखा तो आपको एक शॉक लगेगा, झटका लगेगा, ओ ये तो माइन फील्ड आ गया। यदि माइन में उसका पैर ना भी पड़े तब भी उसको एक झटका होगा, यार कभी भी माइन फट सकता है। मतलब वहाँ पे असली में होते हैं, असली में भी होते हैं, असली में भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं, और साइन भी दिया होता है, मतलब साइन भी दिया होता, दिया होता है वहाँ पर, और साइन दोनों के लिए, ये नहीं हमारे लिए, मतलब डराने के लिए होता है एक तरीके से। हाँ, अच्छा, मतलब एक शॉक झटका देने के लिए, जिससे कि वो डिले हो, हाँ मतलब कांप जाएगा एक तरीके से एनिमी जो है। और ऐसे ही आप देख रहे हैं फैंस जो लगी हुई है, वो फैंस लगी हुई मिलेगी जब आप बॉर्डर पर जाएंगे। और ये कौन सा इलाका है, ये दिखाया जाता है जहाँ प्लेन इलाका है, जो जम्मू से लेकर गुजरात तक का इलाका है। अच्छा, उसमें पहाड़ी इलाकों का जो डिफेंस है वो दूसरे किस्म का होता है, ये IV के डिफेंस की बात है। हाँ, आगे जो दिखाया एंटी टैंक माइन, वो एक एंटी टैंक माइन को दर्शाता है, और उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, यहाँ हमने क्लोज करके इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट में दिखाया एंटी पर्सनल माइन, जो आदमियों के खिलाफ माइन लगाए जाते हैं, इसका मकसद है कि आदमियों के खिलाफ, ये भी नज़दीक इसलिए लिखा, बाकी ये लंबे दूरी में होते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर 800 मीटर जैसे ही सिचुएशन है उस पर निर्भर है। और ये है DCV, इसका नाम है DCV। अच्छा, हाँ, D4 Disc, C4 Come और B4 Bun, जो कि आप देखेंगे जम्मू से स्टार्ट होगी और ये जाएगी राजस्थान तक। अच्छा, राजस्थान तक इसमें पानी भरा होगा, पीस टाइम में इसे किसान सिंचाई करते हैं, और वॉर टाइम में दुश्मन को रोकने के काम आता है। अच्छा अच्छा, और सर आप आगे फिर डेजर्ट शुरू हो जाता। अच्छा, वहाँ डेजर्ट दिखाया गया। हाँ, नहीं डेजर्ट अच्छा, नहीं दिखाया, वो राजस्थान का इलाका डेजर्ट। अच्छा, मतलब आप रियल का बता रहे हो। हाँ, रियल का। अच्छा अच्छा, लास्ट है वहाँ पे डेजर्ट शुरू हो जाता। और सर आप मतलब रियल सोल्जर है? रियल। अच्छा, मतलब रिटायर्ड सोल्जर है? रिटायर। अच्छा अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए मतलब रिटायर हुए? रिटायर हुए 7 ईयर। 7 ईयर हो गए। अच्छा, तो भाई यहाँ पर हमें ये जहाँ पे सोल्जर जी हमको समझा रहे थे ना सब कुछ, यहीं पर ही हमको एक टेलीस्कोप मिला है, तो इसको देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओ भाई, ये तो पूरा क्लियर दिखा रहा है मेरे को, वो सामने घास है ना, वो नेट के पास, वो वहाँ पर घास दिख रही है दूर, तो वहाँ पर मेरे को वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। इतना ज्यादा जूम कर दिया इसने, तो वो पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, कौन सा पाइप है वो दिख भी नहीं रहा है आज तक, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और वहाँ सामने इससे देख रहा है पानी निकल रहा पाइप में से, वो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ से देखो वो कुछ भी नहीं दिख रहा कौन सा पाइप, चश्मा लगा के भी देख लेते एक बार, तो अभी नहीं दिख रहा कौन से पाइप में से पानी निकल रहा था, शायद वहाँ कोने में, बट इससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, मजा आ गया। यहाँ पर देखो एक कंपास भी रखा हुआ है, एक्टिविटी दिखा दी, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, लंच करने चलते हैं, लंच की टाइमिंग है लिखी हुई है 12:30 से 2:30 बजे तक, तो चल के देखते हैं और खाते हैं। तो भाई दिखाते हैं आपको लंच में क्या क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कॉर्न है, ये सारे कॉर्न लगे हुए हैं, ये मटर है, बाकी यहाँ पे सलाद वगैरह है सब कुछ यहाँ पे, प्लेट्स। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, क्या है इसके अंदर? अच्छा, रायता है, तो रायते के बाद यहाँ पे राइस देख सकते हैं आप, और राइस के बाद यहाँ पे ये क्या है, दाल मखनी है यहाँ पर, ये
और ये मलाई कोफ्ता, तो मलाई कोफ्ता है यहाँ पर ये, और ये कढ़ाई पनीर है यहाँ पर, ड्राई वेज गोभी वगैरह है इसमें मिक्स, ये नूडल्स, मंचूरियन चिकन, ये चिकन है यहाँ पर, और यहाँ पे ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और ये नान है यहाँ पर, और तंदूरी रोटी यहाँ पर। ये यहाँ पे भाई जो खाना है ना काफ़ी हेल्थी खाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे चिकन भी इसलिए है क्योंकि भाई जो फौजी भाई होते हैं वो चिकन वगैरह एग वगैरह सब कुछ खाते हैं ताकि उनमें मतलब एनर्जी आए युद्ध में लड़ने के लिए, तो इसलिए मतलब प्रोटीन वगैरह मिलता है ना चिकन से, तो इसलिए। तो यहाँ पे सारे कुछ मतलब टोटली वो जो बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल है यहाँ पर सारी, मतलब जो गोभी वगैरह है, पत्ता गोभी वगैरह, मतलब वो प्योर रखी हुई है बिल्कुल उबली हुई, क्योंकि ये चीज़ें हेल्थी होती है काफ़ी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर खाना भी है। बाकी यहाँ पर हम अपना खाना लेकर आ चुके हैं, मैंने यहाँ पर ये दाल मखनी ली है, ये कौन थे यहाँ पर, ये रायता और थोड़े नूडल्स और ये रोटी। बाकी भाई ये आप सामने देख रहे हो यहाँ पे किचन है अंदर, यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो। यहाँ पे देखो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं सारे स्कूल के, तो यहाँ का भी मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या है खाने में। सबसे पहले तो वही प्लेट ही है यहाँ पर, उसके बाद अचार, अचार के बाद यहाँ पे देखो सलाद है जिसमें खीरा, मूली और टमाटर मिक्स है, और उसके बाद यहाँ पे आलू आपको दिख जाएगा, आलू के बाद यहाँ पे सेवई हैं, और उसके बाद वही मंचूरियन है यहाँ पर, मटर पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ पे दाल है, और दाल के बाद यहाँ पे चावल हैं, नूडल्स, और यहाँ पे ये नान, और ये रायता, और यहाँ पे वही रिपीट हो गया जो पीछे था ना। तो भी अभी थोड़ा सा सलाद भी खा लेते हैं। खाना कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो क्या खा रहे हो? चौमिन और चौमिन रायता और चौमिन साथ में। कौन से स्कूल से आए हो? BBT। ये कहाँ पर है? बिहारीपुर। ये कहाँ पर है बिहारीपुर? साइड। अच्छा, ये हरियाणा में यही पास में है मतलब। अच्छा अच्छा, तो भाई एक और हमको एरिया मिल गया जहाँ पे जवान की रसोई नाम दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी खाना बन रहा है, तो देखते हैं भाई क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो पूरा देसी लुक दिया गया है, चूल्हे से खाना बन रहा है यहाँ पर, चूल्हे पर। तो इनसे पूछते क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप ये? अच्छा, मक्के और बाजरे की रोटी बना रहे हो? ये कुछ ज़्यादा छोटी है बट रोटी तो? अच्छा अच्छा, बड़ी रोटी में छोटी में, चूल्हे पर बना रहे हो गाँव की तरह बिल्कुल। अच्छा, गांव का खाना है मतलब यहाँ पे? तो यहाँ पे मतलब हम लोगों के लिए भी होता है खाना। हाँ। अच्छा, कोई भी खा सकता है गांव का खाना ये? हाँ। तो इसमें क्या है ये? ये छाछ है ये? हाँ। अच्छा, छाछ है यहाँ पर, ये लस्सी यानी कि ये खिचड़ी। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, हाँ कड़ी है, और ये देखते हैं क्या है, और ये दाल, दाल है शायद ये। अच्छा, खिचड़ी है ये, और यहाँ भी कुछ है, ये साग है, सरसों का साग, मक्के की रोटी वही ना, और ये तो गुड़, ये माखन घी मतलब, और ये क्या चूरमा? ये चूरमा किस चीज़ का बनता है? ये इसी का होता है, रोटी का। अच्छा, रोटी का चूरमा ये? अच्छा, तो भाई जो ये चूरमा है ना, मैंने पहली बार सुना है कि रोटी का चूरमा जैसा कुछ, तो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है ये। तो भाई ये ले लिया मैंने, ये चूरमा बता रहे हैं, ये मीठा बता रहे हैं इसको, तो ये ना राजस्थान की डिश बता रहे हैं, ये राजस्थान में खाया जाता है। जैसे भाई वो नहीं होता घेवर जो खाते हैं हम, जो रक्षाबंधन के टाइम पे घेवर होता है, थोड़ा उसके टाइप का इसका टेस्ट है, और इसके अंदर घी वगैरह मिला हुआ है, गुड़ शक्कर ये सब मिलाया हुआ है। ये खाना पीना तो हमने खा लिया है, आपको तीन जगह हमने दिखा दी जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, तो सही है भाई, दिखा दिया आपको जहाँ बच्चे खा रहे थे, जहाँ पे मतलब ये देसी खाना आप खा सकते हैं, वहाँ पीछे दिखाया था जहाँ पे बाकी फैमिलीज़ के लोग खा रहे थे, वो सब दिखा दिया हमने आपको। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो खटिया पड़ी हुई है सारे में, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से टेंट बना हुआ है, तो इसमें आराम से बैठे हुए हैं, मतलब धूप हल्की हल्की धूप सी लग रही है, हल्की सी गर्मी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और आलस भी आ रहा है यहाँ पे, मन कर रहा सो जाओ यहीं पर ही, बट अभी कुछ एक्टिविटीज़ रह गई हैं वो भी दिखानी है आपको। बाकी ये साथ में आए हैं हिमांशु भाई है, तो इनके चैनल का नेम आप देख रहे हो, इनको भी सपोर्ट करना थोड़ा। यहाँ पर भाई आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर ये आर्मी का ट्रक खड़ा हुआ है एक, जिसमें सोल्जर भाई जाते हैं ना, देखा ही होगा आपने। यहाँ पे भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे पिट्ठू रेस है, पिट्ठू रेस में क्या है ना, यहाँ पे आप बैग देख रहे हैं ना, तो इस बैग के अंदर पिट्ठू भरे हुए हैं, यहाँ पे देखो 20 किलो लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 20 किलो वेट है, तो उठा के देखे क्या, वो बड़ा भारी है, तो ओहो हो बहुत भारी है, तो हाथ टूट जाएंगे यार, इसको टांग के मतलब जाना है, मतलब इसको टांग के रेस करनी है यहाँ पे देखो। और अगर आप छोटे हो, छोटे बच्चे हैं अगर, तो 10 किलो और 5 किलो का वेट यहाँ पे रखा हुआ है, ये 10 किलो 5 किलो वो 20 किलो, तो इसको बांध के मतलब वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से भागते भागते आना है, तो जो पहले आएगा वो विनर होगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो असल्ट कोर्स है, यहाँ पे मतलब जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से स्पीड में भागना, देखो रेता पड़ा हुआ है नीचे, इसके ऊपर से स्पीड में भागो, यहाँ देखो बच्चे कर रहे हैं कमांडो नेट क्लाइंबिंग कर रहे हैं बच्चे, तो कमांडो तब स्पीड में सिखाया जाता है ना वो नेट क्लाइंबिंग करना, तो देखो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं वही क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे लिखा भी होगा
ये बर्मा ब्रिज है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो ये पीछे वो वाला। बाकी यहाँ पे कमांडो नेट क्लाइंबिंग है ये वाली, वहाँ पे टायर नेट है, ये जो बच्चा यहाँ पे चढ़ रहा है देखो, ये एक ये टायर नेट है। तो बच्चे पूरी मतलब एनर्जी के साथ पूरी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं अपनी। बाकी ये आप देख रहे हो रिगलिंग है ये, इसके अंदर मतलब लेट के तुरंत जाना होता है, मतलब ये देखो बच्चा निकल के आया यहाँ से, तो इस तरीके से आना। मज़ा आ रहा है भाई छोटू? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो इसके फेस पर ही स्माइल है, साफ पता लग रहा है मज़े आ रहे हैं बच्चों को। इसके ऊपर भागना होता है बैलेंस बना के, मान लो कई बार चट्टान के एरिए से भागना होता है ना, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे टायर क्लाइंबिंग वगैरह भी है। ये देखो ये बढ़िया, मतलब ये बर्मा ब्रिज से बच्चे मतलब वहाँ टायर क्लाइंबिंग करते हुए बर्मा ब्रिज को क्रॉस करते हुए यहाँ स्टेयर टाइप बना रखा है यहाँ पे ये ड्रम से, तो इसके ऊपर से उतर के आएंगे बच्चे। तो ये जूनियर के लिए बनाया हुआ ये सारा, मतलब बच्चों के लिए। देखो लिखा हुआ है ना कमांडो जूनियर, इसके अंदर से हम आए हैं, तो अब इसमें चलते हैं। यहाँ पे कमांडो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या हमें मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये लेज़र दिखाई दे रहा है हमें, मतलब यहाँ विदाउट टच हमें निकलना होता है, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा और दूसरा, तो हमें भी जाना पड़ेगा इसमें से। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन है, तो इसके ऊपर मतलब स्टेप करते करते हमें निकलना है यहाँ से, तो मतलब काफ़ी गैप दिया हुआ है वैसे वैसे हो जाएगा, बस वही है थोड़ी मेहनत लगेगी, तो मेहनत नहीं करनी है आपको, दिखाना है सीधा। तो आगे बढ़े तो बैलेंस बीम है यहाँ पर, तो बैलेंस बनाते हुए बीम के ऊपर चलना है। तो ये देख सकते हैं बढ़िया बनाया है वैसे बैलेंस बीम, देखो अप एंड डाउन जा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल बढ़िया जिगजैग। तो भाई बैलेंस बीम क्यों भाई, ये क्या है भाई, फिसल रहा है क्या हो रहा है ये? तो बैलेंस बीम के ऊपर है हम भाई, तो पैर बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये तो पैर फिसल रहे हैं इस पे से, चल रहे हैं हम देखो बैलेंस बीम के ऊपर। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं बैलेंस बीम, कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। ये देखो यहाँ पर वो भाई बाज साहब, वो ये तो अप एंड डाउन जा रहा है ना, काफ़ी टफ हो जा रहा है ये तो। भाई बच्चे हैं, बच्चे आ गए शायद हमारे पीछे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। राम राम से, राम राम, वो बच्चों सिस्टम वो आराम से आराम से, ये बच्चे आगे क्या पीछे, वो गया गया गया, बच्चों का है, हम लोग नहीं गिरेंगे। तो बच्चे चल रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर, ट्राई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई नीचे खाई है और खाई को क्रॉस करके जा रहे हैं हम। देखो ये तो भाग गए सारे बच्चे तो बीच में छोड़ के, तो हमने फाइनली कर ही लिया। आ जाओ एक बच्चा आ रहा है पीछे से, और ये खत्म। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्पाइडर नेट है, बड़ी स्पीड में जा रहा है, कौन सी जल्दी आ गई भाई, स्पीड स्पीड में क्रॉस कर रहे हैं बच्चे तो। चलो बढ़िया है, एक्टिव होते हैं ना बच्चे ज़्यादा। ये 3 फीट वॉल है, इसके ऊपर से जंप लगा के जाना है, तो भाई हमारे बच्चे तो है नहीं है। और आगे यहाँ 5 फीट की वॉल है भाई, इतना ऊंचा कूद लेंगे यार। बाकी यहाँ पर देखो ये है लीडो जंप, तो लीडो जंप के ऊपर से स्पीड में जाओ और जंप करो, तो ये भी बढ़िया है भाई। ये नोबिता में देखा मैंने, इस पर जंप करके भागते हैं एकदम से, तो उसके लिए मतलब गद्दे वगैरह लगा रखे होते हैं, मतलब ये दूसरी कोई चीज़ है। कमांडो नेट है यहाँ पर, इसको देखो रॉप को पकड़ के तुरंत ऊपर जाओ भाग के जल्दी से, और उस टाइप से मतलब ये नेट है, नेट पे से कूदो। तो यहाँ रेस होती है, मतलब कौन स्पीड में जा सकता है। यहाँ पे सामने है रॉप लैडर, तो यहाँ रॉप के ऊपर रॉप और लैडर है, तो इसके ऊपर चढ़ो स्पीड में। उसके बाद वही जो बच्चों वाला एरिया था वो दिखाया हमने आपको। तो भाई अब हम यहाँ पे कमांडो नेट करते हैं, यहाँ पे ये हिमांशु भाई और मैं साथ में है, रेस नहीं लगाएंगे यार, रेस लगाएंगे ना सांस खुल जाएगी। वो बच्चे जा रहे हैं स्पीड में हमारे, उसकी तो है नहीं। तो खैर कोई नहीं, हम ऐसे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम भी। तो बिल्कुल भाई ये खड़ी है, बिल्कुल दिखाना एक बार यहाँ, ये देखो बिल्कुल खड़ा है ये बिल्कुल। तो चलते हैं, यहाँ पे फौजी भाई बैठे हैं ऊपर, बाकी चलो भाई। वो बिल्कुल टेढ़ा हो गए, तो जोर लगा के बिल्कुल टेढ़ा हो गया गाइस। वो बिल्कुल तिरछा ही है, तो और यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर पे हैं, काफी ऊंचा भी है, ये काफी ऊंचा है, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। तो हिमांशु भाई टफ लगा? बहुत ज्यादा टफ है, बट हमने एटलीस्ट पूरा कर दिया। तो खैर मज़ा भी आया और सांस भी थोड़ी फूल गई। बच्चे काफ़ी बढ़िया से कर लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है चीज़ों को करने के लिए। फौजी भाई यहाँ पे सारे में है, जो आपको समझाते रहेंगे कैसे कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो भाई ये रॉप लैडर मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें क्या करना है लिखा है ऊपर, टच एंड डाउन। तो ऊपर यहाँ पे चढ़ो और टच करो और जल्दी जल्दी नीचे आओ, देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ये तो एक पैर तो ऊपर ये कैसे होगा यार, एक बार इसको ट्राई कर। ओ भाई, ओ भाई साहब, ये तो बहुत टफ है, ओ तो झूला झूलना, ओ ये नहीं हो पाया भाई, ओ भाई ये नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, कैसे करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो ना होगा, ये नहीं हो पाया, ये नहीं होगा।
इसमें कहाँ हो पाएगा यार, पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया यार। ये दिखने में लगता है बहुत ही इजी है, बट ये सबसे टफ है। आर्मी लोग ऐसे ही अपने नौजवान इतने एक्टिव नहीं होते, उन्होंने बहुत बहुत टफ एक्टिविटी करनी पड़ती है। सही में यहाँ पर भाई आप कैमल कार्ट राइड और हॉर्स कार्ट राइड भी कर सकते हैं। ये सामने देखो ये कितना बड़ा सा कैमल है, काफ़ी बड़ा है कैमल ये वाला। तो ये देखो यहाँ पे ये ऊँट है, तो इसका नाम पूछ रहे, नाम क्या है इसका ऊँट का? इसका नाम है जय भगवान। जय भगवान, तो भाई जय भगवान यहाँ पे ऊँट का नाम है। और वहाँ पे वो देखो हॉर्स भी है। इसका घोड़े का नाम क्या है इसका? अच्छा घोड़ी, धनु नाम है, धनु। तो भाई घोड़ी है यहाँ पर, इसका नाम धनु है यहाँ पर। तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलो कैमल कार्ट करते हैं। तो भाई कैमल कार्ट कर लिया, हॉर्स कार्ट तो नहीं करा। तो कैमल कार्ट में काफ़ी मज़ा आया, ऊँट भी काफ़ी ऊंचा था ये वाला। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चे हैं ना, तो फोटो शूट चल रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना इतने सारे बच्चे, तो सारे बच्चों से थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इनसे पूछते हैं कैसा लगा। भाई कैसा लगा आज आपको? कुछ दिक्कत तो नहीं आई घूमने में? मज़ा आया? खाना कैसा लगा? एक्टिविटीज़ कैसी थी? तो भाई सारे बच्चे यहाँ पे घुस, तुम भी घुसो भाई, सबको मजा आया भाई। यहाँ पे सारे बच्चे घुस हैं, फोटो ले रहे हैं अभी कि भाई ये वाला एरिया आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे स्टे करना आना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। यहाँ हट टाइप सारे में बनाया हुआ है देखो ये। बाकी काफ़ी अंदर फैसिलिटीज़ हैं, बट अंदर बुक्ड है ना, तो हम दिखा नहीं सकते अंदर जाके लोगों का, पर्सनली बुक है सारे तो दिखा नहीं सकते अंदर से, इसीलिए। बाकी यहाँ पे रह सकते हैं आप, स्टे करना हो आपको तो उसके लिए। तो ये वाला जो है ना ये खाली है यहाँ पर रूम, तो ये दिखाते हैं अंदर से कि भाई कैसा होने वाला है रूम यहाँ पर। तो ये पूरा मतलब डोर यहाँ पे पूरा ऐसा है, चैन टाइप में, चैन लगा लोगे आप अंदर से तो ऐसा है पूरा। यहाँ देखो आपको एक बेड मिलने वाला है, यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, वहाँ पे विंडो बनाई हुई है इन्होंने, तो पिलो वगैरह चादर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। बाकी गर्मी लगे तो यहाँ पे फ़ैन है, बाकी यहाँ पे हीटर है, एक केतली है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं वॉशरूम भी बनाया हुआ है इन्होंने, चैन से ही डोर बनाई हुई है। तो ये यहाँ का पूरा वॉशरूम एरिया है। तो सामने दिखाई दे रहा है तरुण कृष्णा, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा है। तो यहाँ पर टॉयलेट सीट है। डेल्टा 105 से आ चुके हैं बाहर, काफ़ी अच्छा लगा हमें, फूड भी ठीक था यहाँ पे, तीन जगह फूड थे दिखाया हमने जैसा कि आपको। और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी थी, काफ़ी मेहनत वाली एक्टिविटीज़ थी, मतलब जिसमें मतलब काफ़ी पूरी एनर्जी आपकी डाउन चली जाएगी, ऐसी एक्टिविटीज़ थी। क्योंकि भाई सारा फौजी भाई से रिलेटेड था, सोल्जर से रिलेटेड था, आर्मी की थीम बेस था पूरा ये, तो इसलिए मतलब मेहनत वाले था सब कुछ। तो मज़ा तो मैं आया काफ़ी, सब कुछ काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला यहाँ के बारे में। तो आपको कैसा लगा मेंस भाई? बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आर्मी ऐसे आर्मी सोल्जर कैंप में गया था मैं। बढ़िया था काफ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो भाई बाहर का जो व्यू है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खेत है और वहाँ पे देखो सिंचाई हो रही है खेतों में। तो जूम करके दिखाते हैं एक बार, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे खेतों में सिंचाई हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो यहाँ बाहर के मतलब जो आसपास का एरिया है ना ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा एरिया है, सुकून सा मिलेगा आपको, शांति सी। तो गाइस इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग के अंदर, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप टिके हुए अभी तक और चैनल आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।